नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीरो शिपिंग फी प्रोग्राम के बारे में जो फ्लिपकार्ट की तरफ से इनिशिएट किया गया है। देखेंगे इस प्रोग्राम में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कस्टमर्स को। चलो दोस्तों देखते हैं। पहली चीज दोस्तों, मेरे पास इसकी मेल आई थी फ्लिपकार्ट की तरफ से 1-2 दिन पहले मेरे पास मेल आई थी, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा कि फ्लिपकार्ट में लिखा हुआ था फॉर न्यू कस्टमर, न्यू कस्टमर मीन्स पहली बार जो ऑर्डर कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, उनके लिए जीरो शिपिंग फी लगेगी उनके ऑर्डर के परचेज पे, कौन से, ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। प्लस इसके साथ साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त 2020, मतलब आज। तो दोस्तों आज से ये प्रोग्राम स्टार्ट है, कोई भी नया कस्टमर आपके जानने में है या कोई वो जो ऑनलाइन नहीं परचेज करता तो उसको ज़रूर बताइएगा ये प्रोग्राम के बारे में कि उसको भाई शिपिंग नहीं लगेगी। अगर आप 300 का प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 300 का ही पड़ेगा, उस पर प्लस 60 रुपये 80 रुपये 100 रुपये जो शिपिंग होती है वो नहीं होगी। सेकेंड चीज़, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा कि नए कस्टमर्स आएंगे फ्लिपकार्ट को। दूसरा चीज़, इससे इंक्रीज होगी सेल्स सेलर्स की। और तीसरी, फ्लिपकार्ट की ग्रोथ इंक्रीज होगी, कंपनी एज अ होल बढ़ेगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सेलर्स सुन रहे हैं, सेलर्स के लिए वीडियो बनी है ये वाली। सेलर्स क्यों सुनेंगे इस वीडियो को, क्योंकि जब 28 अगस्त के बाद वो देखेंगे अपने लेबल्स, प्रिंट लेबल, वो जब पैकिंग स्लिप निकालते हैं वो चेक करेंगे, उसमें लिखा होगा शिपिंग फी जीरो, उन्होंने तो डाली हुई 30, 45, 60 या 27, 40, 58 जो उन्होंने शिपिंग फी अपने हिसाब से डाली हुई है, पर उसमें लिखा होगा जीरो, तो वो टिकट रेज करेंगे। तो टिकट रेज मत कीजिएगा, वो न्यू कस्टमर होगा, उससे आपकी जो सेटलमेंट अमाउंट है या आपकी जो अमाउंट आपको रिसीव होगी फ्लिपकार्ट की तरफ से, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतनी ही आपको मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए आप टिकट रेज कर सकते हैं। प्लस ये वीडियो इसी के लिए ही थी कि आप अपने ऑर्डर्स को ज़रूर देखिएगा। कैसे लगे वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और सपोर्ट दिखाइए।